विकास का ये नारा ही, भाइयों बहनों, आज राम राज्य की आधारशिला बन रही है। राम राज्य की आधारशिला, कांग्रेस देश की समस्या का नाम है। देश के अंदर जो भी समस्या है, कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी ने आतंकवाद की समस्या का समाधान किया, कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। कांग्रेस भगवान राम और कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करती थी, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने राम मंदिर की सभी बाधाओं को दूर करते हुए अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ करवा दिया है। कांग्रेस गरीबों के हक को तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाती थी, मोदी जी ने उस समस्या का भी समाधान कर दिया और कहा सबका साथ और सबके विकास का। और भाइयों बहनों, आज मैं यही कहने के लिए आया हूं कि आपने भागीरथ चौधरी जी को लोकसभा का चुनाव जिता करके भेजा। परिणाम क्या था? जिस कांग्रेस की सरकार में देश के अंदर 14 किलोमीटर सड़क भी प्रतिदिन नहीं बन पा रही थी, आज वही मोदी जी के नेतृत्व में 38 किलोमीटर का हाईवे प्रतिदिन देश के अंदर वर्तमान में बन रहे हैं। जिस कांग्रेस के समय में 1947 से लेकर के 2014 तक देश के अंदर मात्र 6 एम्स बने थे, मोदी जी के नेतृत्व में 22 एम्स बन चुके हैं। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, हर घर नल की योजना भी बन रही है। 1947 से 2014 तक 70 वर्षों में केवल 74 एयरपोर्ट बन पाए थे और भाइयों बहनों, 9 वर्ष में 74 नए एयरपोर्ट बन गए। अच्छा जनप्रतिनिधि चुनाव चुनते हैं तो परिणाम भी अच्छा आता है। आप सोचिए, क्या राम मंदिर का समाधान कांग्रेस कर पाती क्या? ये डबल इंजन की शक्ति है। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की ताकत ये है, आप सोचिए उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में सचमुच राम राज्य है। कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, किसी कन्हैया लाल की वहां निर्मम हत्या नहीं हो सकती, क्योंकि सभी माफिया पहले ही राम नाम सत्य है। समझ गए ना? माफियाओं का राम नाम सत्य है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को, जिन्होंने विधायक के रूप में भी और सांसद के रूप में भी क्षेत्र की सेवा की है, श्री भागीरथ चौधरी जी को अपना प्रत्याशी बना करके किशनगढ़ से आपके बीच में उतारा है। और भाइयों बहनों, इसी के लिए अपील करने के लिए आया हूं मैं कि भागीरथ चौधरी जब चुनाव जीतेंगे तो विकास की एक नई कथा तो रची ही जाएगी, कांग्रेस के माफिया राज पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी कर लेंगे। सहमत है ना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, किशनगढ़ के कितने लोग हैं जो अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान होने पर दर्शन करने की इच्छा रखते हैं? पूरा किशनगढ़ ही तैयार है। भाइयों बहनों, भागीरथ चौधरी जी को जयपुर विधानसभा में भेजे
और इनकी जिम्मेदारी होगी कि यहाँ किशनगढ़ से भी श्रद्धालुओं को अयोध्या में प्रभु राम का दर्शन कराने के लिए लेकर के वे स्वयं आएंगे। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, भारत माता की जय।